प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, हम की आँच से भी नहीं। लड़का नहीं है। अगर अच्छा लड़का होता तो मुझे क्या एतराज, दुनिया भर की बुराइयां उसमें, एक नंबर का बदमाश है वो। मैंने तुम्हारी पत्नी अंतरा को पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारा फोन आया है तो तुम्हें भी बता देती हूँ। रोक लो अपने भाई को। लेकिन याद रखना अंतरा, अगर 40 गांव में शंकर को कुछ हुआ तो मैं चैताली को कभी माफ नहीं करूंगा, और तुम्हें भी। और रास्ते में किसी भी चीज के लिए अपनी अम्मी को तंग नहीं करना। नहीं करूंगी। ये लो सबा, और गांव पहुंचकर अपने लिए चॉकलेट खरीद लेना। बाजी, इतने पैसे मत दो, इनकी आदत खराब हो जाएगी। बहुत प्यारी बच्चियां हैं, फालतू खर्च बिल्कुल नहीं करेंगी। नहीं करेंगी ना? अब्दुल्ला और शंकर पता नहीं कहां रह गए, अगर देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। तो आगे की टिकट करवा लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नहीं नहीं सुजाता बेटे, मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है। शर्फू का फोन आया था गांव से, कह रहा था मेरी बेगम की तबीयत बहुत खराब है, उसे एडमिट कराया है हॉस्पिटल में। स्टेशन से आने में बहुत देर कर दी मम्मी। अरे तेरे शहर का ट्रैफिक ही ऐसा है, आधे घंटे का रास्ता लोग घंटों में तय करते हैं। और ये तूने कैसा पागल ड्राइवर भेजा था, अरे कितना नखरा कर रहा था सामान उठाने में। सामान कहाँ है? कार में। अच्छा ये सब छोड़, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मा, मगर प्राची। अरे उसे तो मैं संभाल लूंगी, अब मैं आ गई हूँ ना, तू उसकी चिंता छोड़। जवाई राजा कैसे हैं? मम्मी जी, खुशी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर में भी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ आप आ गए, अगले हफ्ते मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश जाना। इनफैक्ट मैं तो सोच ही रहा था कि आपको बुला लूँ। मम्मी आपको सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, पर थकान तो हो ही जाती है ना। प्राची, अरे मम्मी थक गई होंगी, बातें बातें बाद में होती रहेंगी, अंदर लेके जाओ। अरे 6 बजने वाले हैं, शंकर और अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करने गए होंगे, वो सलमा जा रही है ना, इसलिए बच्चों के लिए कुछ खरीद गए होंगे। गाँव तो तब जाएगी जब उसका मियाँ आके उसे स्टेशन छोड़ने जाएगा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर हमारा घर कब तक अनाथ आश्रम बना रहेगा? शंकर आपका छोटा भाई है, मेरा देवर है, मगर अब्दुल्ला और उसका परिवार यहाँ कब तक डेरा जमाए रखेंगे? अगर आज वो लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं उनका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। अंतरा! शंकर अगर आज सांसें ले रहा है तो वो अब्दुल्ला की वजह से, और उसके इस एहसान का बदला तुम इस तरह चुका रही हो? एहसान की कीमत भी तो चुकाई है हम लोगों ने, क्या कमी रखी है उनकी खातिरदारी में? बहुत बड़ी सौदागर बन गई। अरे अब्दुल्ला का एहसान मैं कैसे चुका सकता हूँ, खुद को भी बेच दूँ ना तब भी उसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा मैं। तुमने उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखा, मैं खामोश रहा क्योंकि बुआ जी को उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। तुमने हमेशा हमेशा उनके साथ परायों जैसा व्यवहार किया, मैं फिर भी चुप रहा। लेकिन आज ये उनका सामान घर से उठाकर बाहर फेंकने वाली बात करके अंतरा तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। गिरा दीजिए मुझे अपनी नजरों से, मैंने तो जब भी सोचा है आपका भला ही सोचा है, यही मेरी भूल है। जब से वो लोग इस घर में आए हैं, इस घर से सुख और शांति जैसे लूट ही गई हो।
मैं अंदर से रो रही हूँ, सिर्फ मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे। बस करो, बहुत हो गया ये तुम्हारा फालतू का रोना, ये नाटक बंद करो। अब तो मेरा दुख आपको नाटक ही लगेगा ना। आज से पहले इस घर में हम दोनों के बीच इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं हुई, मगर आज उनके कारण आपने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया। वो लोग जाने वाले हैं, आज कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा। शाम डरने को है, न जाने ये कहाँ रह गए अब तक। न जाने वो कहाँ रह गए, उन्हें तो पता है कि आपकी 8 बजे की ट्रेन है। उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अब तो लगता है ट्रेन भी छूट जाएगी। यहाँ से स्टेशन तक कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। उन्हें तो सब कुछ पता था, उनका फोन बंद है, कम से कम पीसीओ से तो फोन कर सकते थे। बच्चियां भी बार बार अपने अब्बू को पूछ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब, इसलिए उन दोनों को इनायत चाचा के पास बिठाया है। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, वो अंदर बच्चों ने सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। थक गया मैं तो जवाब देते देते। ये अब्दुल्ला और शंकर ना जाने कहां रुक गए, इतने लापरवाह तो नहीं है दोनों। चाचा जान, हम उनका इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, मुझे जाना ही होगा, ट्रेन का टाइम हो रहा है। और हाँ, अगर अब्दुल्ला और शंकर आ जाएं, तो आप लोग स्टेशन पर आ जाना, मैं ट्रेन चलने तक आप लोगों का इंतजार करूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज चाचा। दीदी मुझे कुछ कहना है। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। परेशानी तो है, मगर बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी। अरे छोटी हो या बड़ी, परेशानी तो परेशानी ही होती है ना। अच्छा शॉर्टकट में कहूँ तो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए? अचानक तुम्हें इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई। दीदी 1 लाख इतने कब से हो गए इस घर में। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे परेशानी के लिए मैं लाखों रुपए निछावर कर सकती हूँ। राजना जी। हाँ। 1 लाख रुपए जी। ये एक बात बोलो रश्मि। क्या? तुम्हारे अकाउंट में इससे भी ज्यादा पैसे पड़े हैं, शायद तुमने चेक नहीं किया। दीदी मेरा अकाउंट भी आप है, और मेरा ATM भी आप, और मेरी मोहब्बत भी आप, मेरी अच्छी दीदी। दीदी मैं जाती हूँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। बाय बाय। मैडम आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रश्मि के खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। आप ठीक कह रहे रचना जी, अपने आदमियों से कहो कि रश्मि पर कड़ी नजर रखे, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे सब खबर होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, रश्मि चाहे जहाँ कहीं भी जाए, अब वो हमेशा हमारी निगाहों के सामने रहेगी। मेरे हर कदम पर नजर रखने वाला इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ चैताली दीदी। या अल्लाह तेरी मर्जी, अब तो ट्रेन मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं, बच्चियाँ भी थक कर इंतजार कर कर सो गई। मुझे तो ट्रेन से ज्यादा इनकी फिक्र हो रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। अरे आप लोग अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या करें भाभी, अभी तक इनका कुछ पता नहीं है। आप लोग स्टेशन जाइए ना, आप लोगों को शायद ट्रेन मिल जाएगी। मैं तो यहीं हूँ, ये दोनों आएंगे तो मैं उन्हें स्टेशन भेज दूंगी। बाजी ट्रेन आज नहीं तो कल मिल जाएगी।
टिकट भी बन जाएगी, लेकिन इनके बगैर जाना। अरे तुम यहाँ हो और ये तुम्हारे मेहमान अभी तक गए नहीं? जब इंजन चलेगा तभी तो डिब्बे हिलेंगे। शंकर और अब्दुल्ला पता नहीं कहाँ रह गए। हे भगवान, इतने बड़े शहर में जाने कैसी कैसी दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं एक्सीडेंट। शुभ शुभ बोलिए, आप जैसे बड़े बुजुर्ग के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। लो, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि तुम्हारा कलेजा फट गया? आप भाभी की माँ हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मेरे पति का बुरा बोलने वाली की मैं जुबान खींच लूं। सुजाता, अपनी हद में रहकर बात करो। चलो मम्मी। क्या बात है सूरज बेटे, इतने टेंशन में क्यों हो? मम्मी जी, शंकर और अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए और सलमा की ट्रेन का टाइम हो रहा है, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा, सब जगह फोन कर चुका हूँ। नहीं आए तो आ जाएंगे, इसमें सारे शहर में ढिंडोरा पीटने वाली कौन सी बात है? क्या कमाल करते तुम, इतनी देर हो गई वो अभी तक पहुँचे नहीं, मुझे फिक्र हो रही है, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं? सूरज भैया, जाता आप? भैया दोनों का फोन नहीं लग रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं भी दोनों का फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा, सब जगह ट्राई कर लिए कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा। सुजाता बेटी, बुरा मत मानना, अरे मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अब्दुल्ला चाहता ही नहीं उसका परिवार गांव जाए, इसीलिए वो जानबूझकर लेट कर रहा है कि ट्रेन ही छूट जाए। मम्मी जी, कैसा इल्जाम लगा रही हैं आप अब्दुल्ला भैया पर? इल्जाम नहीं, सच है ये। यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो हो गई है अब्दुल्ला और उसके परिवार को। सूरज भैया, आप भाभी पर इस तरह से गुस्सा मत होइए, अभी तो हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि ये दोनों कहाँ गए हैं। सुजाता तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, रात बहुत हो चुकी है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। शंकर, कोई सुनेगा तो थू-थू करेगा कि चैताली मैडम के सामने शंकर बोल नहीं पाया, इसलिए अपने साथ एक किराए का टट्टू लेकर आया बोलने के लिए। किराए पर लोगों को आप रखती हैं, ये मेरा आदमी नहीं मेरा दोस्त है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? तुम्हें मुझे अब्दुल्ला को ही समझाना होगा कि वो तुम्हें समझा दे कि मैं अपनी फैक्ट्री के बारे में जो भी फैसला लूं तुम उसे सर झुका कर मान लो, इसी में तुम सबकी भलाई है। आप फैक्ट्री नहीं हमारी माँ को बेच रही हैं।
उस माँ को, तो सैकड़ों बच्चों